हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं फिर से एक यू कैन से इट्स ब्यूटी रिलेटेड बट नॉट एग्जैक्टली यू नो मेकअप और स्किन केयर और समथिंग, बट आई विल कैटेगराइज दिस इन स्किन केयर। तो या जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो यू गाइज। तो इट्स गोइंग टू बी समथिंग रियली डिफरेंट एंड या सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट। सो आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो हाय दिस इज अंशु। मुझे मेकअप, स्किन केयर, फैशन, एनीथिंग रिलेटेड टू ब्यूटी ये सब मुझे बहुत पसंद है, उसी के नाम ये चैनल है। सो या आई पोस्ट ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे। सो इफ यू लाइक दैट टाइप ऑफ कंटेंट यू कैन हिट दैट सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल सो you don't miss any of my future videos. So yeah, without further ado, let's get started. So आज मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ, so if you have you know seen my past videos तो पता होगा कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई थी, बट अब वो ड्राई नहीं है, इट्स लाइक नॉर्मल। आज तो बहुत सारा स्ट्रोक की मैं, तो इट्स बॉर्डर लाइन लुकिंग ऑयली। और मैंने एक लुक किया है स्ट्रॉबेरी लुक, उसके लिए मैंने किया था, बट इट्स बॉर्डर लाइन लुकिंग ऑयली नाउ क्योंकि ये सुबह से मैंने मेकअप किया हुआ है। तो वैसे मेरी स्किन बहुत ड्राई थी, कभी हुआ करती थी। जैसे 2 मिनट मॉइस्चराइजर नहीं लगाया ना तो पूरा सफेद पपड़ी जैसी निकलने लगती थी मेरी पूरी स्किन में से, बॉडी हो गई, फेस हो गया, बहुत ज्यादा अल्ट्रा ड्राई स्किन की प्रॉब्लम थी मुझे। और सेम मेरे हेयर्स भी ऐसे हैं। तो या मैं सोचती थी या स्किन टाइप होते हैं जो हमने पढ़े हैं मेकअप और स्किन केयर में ना, नॉर्मल, ऑयली, कॉम्बिनेशन, ड्राई, तो मुझे ऐसा लगता था। बट यू गाइस, तो ऐसा हुआ था कि मेरा स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो गया था, मुझे नींद ही नहीं आती थी। तो आई वेंट टू अ डॉक्टर, ही इज अ वेरी बिग डॉक्टर बाय द वे। तो उन्होंने मेरे चेकअप्स कराए एंड ही फाइंड आउट कि मुझे ना डेफिशिएंसी है, उस वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है। तो अगर B12, विटामिन D ये सब की कमी होती है तो नींद नहीं आती। तो वही मेरा इशू था। जैसे जैसे मेडिसिन का इफेक्ट हुआ और मैं अब बहुत ज़्यादा सोती हूँ, अब मुझे कोई उठा नहीं सकता, मैं इतना सोती हूँ सीरियसली। तो या यही था। और अब मेरा नाइट शिफ्ट भी होता है, डे शिफ्ट भी होता है, कोई भी शिफ्ट होता है मैं फिर भी सोती हूँ, अब ऐसा नहीं होता मेरे साथ बिल्कुल भी। तो दैट वॉज रियली बैड फेस फॉर मी। और ये इंतहा जब हो जाती है ना बॉडी आपकी, पहले वो फ्लेकी वाइट स्किन था, फिर धीरे 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 ओवर द इयर्स इतना इम्फेक्ट हो गया कि मेरी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो गई। जो इंसान इतना सोता है उसको नींद नहीं आने लगी। तो या ये होता है जब आपको बहुत सारी डेफिशिएंसी होती है। सो अगर बहुत ड्राई स्किन है, मैंने एक और वीडियो में बोला है, तो डू कंसीडर सम चेकअप्स, कोई डेफिशिएंसी होगी। तो आज का वीडियो इसी के बारे में है गाइस। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, हम टॉपिक पे आते हैं। सो आई हैव रिसीव दिस PR। वैसे मैं आयरन, कैल्शियम, B12 ये सब लेती रहती हूँ अगर मुझे याद रहा तो या वही है। एंड तो आज मेरे को ये जो PR रिसीव हुआ है, मैं एक्चुअली ऐसा प्रोडक्ट लेना चाह रही थी बट मुझे ये रिसीव हो गया PR में। सो जो PR मुझे रिसीव हुआ, यू कैन सी दिस इज द प्रोडक्ट। And yeah, so you can see this is omega-3 के capsules हैं ये। So ये basically fish oil है। तो इसमें है ना क्या क्या है मैं वो बताती हूँ। इसमें 1000 मिलीग्राम फिश ऑयल है, EPA 550 mg, DHA 350 mg, and this is good for your brain, eyes, joint, heart and सो या ये मुझे रिसीव हुआ है। इट इज क्वाइट गुड यू गाइज इफ यू हैव ड्राई स्किन, ड्राई हेयर, ड्राई आईज। मेरी पहले ना ड्राई थ्रोट रहता था, वैसे कुछ भी नहीं रहा था, मुझे नींद नहीं आती थी, ड्राई बहुत ड्राई फील होता था। तो आफ्टर अ लॉन्ग दिस विटामिन्स एंड ऑल इट इज बीन क्यूर्ड, ओके। अब ऐसा कुछ नहीं है। एंड सो दिस इज अ फिश ऑयल कैप्सूल और ये सप्लीमेंट्स हैं। मैं शो करती हूँ, ऐसा ये दिखता है। सो यू कैन सी and this is the supplement। उसको लेना कैसे है? After lunch you can take 1 pill and you will see a difference। Personal experience मेरा रहा है पिछले साल का। मेरी स्किन जो मैं ड्राई पहले की वीडियोस में बोलती थी, अब मैं बोलती हूँ क्या? मैं बोलती हूँ नॉर्मल स्किन है मेरी। सो विंटर्स में देखते हैं कैसी रहती है, बट मुझे पता है वो उतनी ड्राइनेस ना मुझे कभी नहीं रहेगी। वो पहले मेरी ना समर में भी ड्राई सी ही स्किन थी, बहुत अति में ड्राई थी। तो ये था मेरे साथ। तो आई विल हाईली रिकमेंड यू दीज एंड थोड़ा सा चेकअप भी करा लो मेरे हिसाब से, तो अगर बहुत ड्राई स्किन है तो। सो हमें लगता है बेसिक हमने पढ़ा है, स्किन केयर सब ने पढ़ा है। दिस इज बिकॉज ऑफ जो स्किन टाइप्स होते हैं। ट्रस्ट मी यू गाइस, ये सब चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करती हैं आपकी बॉडी को। एंड या ड्राई स्किन होगी, डल होगी, वो ग्लॉसीनेस, वो शीन एंड वो ग्लो नहीं दिखेगा। एंड या जो सिम्टम्स होते हैं ना ड्राई स्किन के, जब आप शावर लेके आओगे ना तो आप कुछ थोड़ी देर में वाइट फ्लेक्स निकलने लगेंगे। वाइट अब तो मेरा होता ही नहीं है, मैं कैसे डिस्क्राइब करूं। वाइट फ्लेक्स निकलने लगते हैं, वाइट दिखने लगती है स्किन, दैट इज द डेड स्किन, झड़ने लगती है डेड स्किन। तो दैट इज द सिम्टम। एंड ड्राई हेयर तो हमें दिखते ही हैं, यू कैन सी अभी मेरे हेयर काफी बेटर हो गए हैं। एंड अदरवाइज ऐसे फ्रिजी ड्राई से मेरे हेयर दिखते हैं, तो दैट इज अ साइन। एंड फ्रिजी हेयर्स तो हमें दिख जाते हैं, है ना, बट अगर हम मॉइस्चराइजर वगैरह नहीं लगाएं तो हमारी स्किन कैसी खिंची बहुत ड्राई हो जाती है। दैट इज द साइन ऑफ डेफिशिएंसी, यू नो, ड्राई स्किन इस इंडिकेशन की ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी है, जैसा कि मैंने बताया। इस पिल को लेने के बेनिफिट, जैसे मैंने बताया कि हार्ट के लिए, ये ब्रेन की फंक्शनैलिटी के लिए, ये इन्फ्लेमेशन इससे कम होगा, और इससे कोलेस्ट्रॉल मिलेगा। इन्फ्लेमेशन क्या होता है, जब हमारे हाथ या पैर, जो मतलब हमारे हाथ और तलवे ना एकदम जलते हैं, गरम एक्स्ट्रा गरम लगते हैं, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा लगते हैं। ये भी मुझे एक पहले प्रॉब्लम थी, मैंने कभी नोटिस नहीं किया, मुझे लगता था वॉल ठंडी छूती रहूं, मुझे मेरे हाथ जलते रहते थे। तो अभी भी मुझे हो जाता है कभी, पर बहुत रेयर है। बहुत इंप्रूवमेंट है उस एरिया में भी। सो इन्फ्लेमेशन इज रियली बैड फॉर योर हेल्थ। अंदर से जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है ना तो इन्फ्लेमेशन होता है। एंड या so these are the symptoms that you have deficiency। अगर ये कैप्सूल you will consume on daily basis, खुद डिफरेंस दिखेगा। जो ड्राई आईज होती हैं, ड्राई थ्रोट होता है, ड्राई स्किन टेक्सचर होता है, उसमें इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और ओवरऑल ना जो हमारी ब्यूटी भी इनहेंस होगी, और जो प्रॉब्लम है हेल्थ रिलेटेड वो भी इश्यूज कम होंगे। एंड या आई विल सीरियसली रिकमेंड, अगर यू नो नींद की मेरी तरह प्रॉब्लम हो तो ये मत सोचना कि तुम्हें एंजाइटी है। जब नींद नहीं आती ना हमें घबराहट होती है, हम परेशान होते हैं, हमारे साथ एक अनयूजुअल चीज होती है, हमें लगता है अरे हमें डिप्रेशन, हमें एंजाइटी, किस बात का। यू नो आई हैव डबल इंजीनियरिंग डिग्री, जॉब, एवरीथिंग, मुझे किस चीज का एंजाइटी होता है, राइट? देयर इज नो सेंस। एंड आई डू मेडिटेशन एंड स्टफ, फिर भी मुझे इश्यूज थे। तो ये है ना जो कुछ चीजें हैं, हाँ मानसिक है, मैं मानती हूँ, बट ये चीजें ना इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी, जिसपे कोई ध्यान नहीं रहता। तो अपने चेकअप कराते रहा करो और देखते रहा करो इन सब चीजों की तरफ, अगर थोड़े से ऐसे सिम्टम्स है ना, तो वो मैंने बताया। सो इतना ही था आज के वीडियो में। मैं जरूर कहूंगी कि यू नो टू थिंक ना, कोई चीज अति में हो रही है, अति में ड्राई स्किन है, ड्राई हेयर्स हैं, इन्फ्लेमेशन है, ये सब है तो क्यों है। तो थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दो। और ये सब चीजें ना हमें एक टाइम के बाद कंज्यूम करनी पड़ती है। एंड यू नो हम जब बच्चे रहते हैं हमारी स्किन कितनी सॉफ्ट, कितनी सप्पल, बिल्कुल क्लियर, यू नो, जैसे जैसे हार्मोनल चेंजेस और सब इश्यूज आते हैं तो हमारी स्किन भी डिप्लीट होती जाती है, खराब होती जाती है। सो सो डू यू नो थिंक इन दिस डायरेक्शन ऑल्सो, मैं तो यही सजेस्ट करूंगी। एंड या दैट्स प्रीटी मच इट। इसको कंज्यूम करने का सिंपल तरीका है, मैंने बताया, लंच के बाद यू कैन टेक 1 पिल विद वाटर ऑब्वियसली, एंड यू विल सी योर डिफरेंस। एंड मार्क माई वर्ड, इफ यू विल टेक ना all these supplements you will see a difference। and और हमारा आजकल का जो फ्रूट्स रहता है उसमें कितना अडल्ट्रेशन है, कितना ही हमें फ्रेश फ्रूट्स मिलते हैं, या लोग फ्रूट्स खाते भी हैं, बहुत कम लोग खाते हैं। तो इसलिए ये सब प्रॉब्लम कॉज होती हैं। so do try this product and thank you guys, thank you so much for clicking that red subscribe button, जिसकी वजह से मुझे PR रिसीव्स हो रहे हैं। I'm really grateful for दिस कम्युनिटी जो हमने बनाई है। एक पीसफुल कम्युनिटी है, शांत सी कम्युनिटी है, चुपचाप लोग वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, एंड इट्स वेरी वेरी गुड, द रिस्पॉन्स इज वेरी गुड। आई एम रियली हैप्पी दैट वी आर ग्रोइंग एवरी डे, थोड़ा वी आर प्रोग्रेसिंग, सो आई एम रियली ग्रेटफुल। एंड ऑल्सो गाइज also I'm really grateful for Brinton for sending me this PR. I'm really grateful for everything. So yeah, that's pretty much it for you guys, and I hope you enjoyed this video। ऐसे ही helpful useful video लाती रहूंगी, क्योंकि हर दिन मैं upload करती हूँ तो हर दिन कुछ ना कुछ रहता है मेरे पास बात करने के लिए। So I hope you like this video, and if you like you can consider subscribing। Also this look will be up soon on my channel। So yeah that's pretty much it for this video you guys। I hope you will find this video helpful, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, तो इसको तो लाइक करना बनता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।